हमारे गांव से ही गुजर रहा है। 88 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने उसमें अनुदान क्या दिया, सरकार कुछ रेट दी, हम लोगों ने दिया इस आशय पर यहाँ लाइन आएगी, हम लोगों का विकास होगा। विकास क्या होगा, उसके अलावे हम लोगों का विनाश हो चुका है। जब से ये 4 लाइन कंपनी आई है, हम लोगों का 200 से 250-300 बीघा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सारेन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मटियोर गांव में आए हैं, जहां पर कुछ किसानों से बात करेंगे कि उनकी बुनियादी चीज़ें समय पर उन्हें मिल रही हैं, किसान की जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो या नहीं। हम आज राम अनुज सिंह और ध्रुव सिंह और साथ ही काफ़ी लोग हैं उनके समक्ष उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वह किस तरह से खेती करते हैं और उन्हें क्या क्या खेती में दिक्कतें आ रही हैं। ये किसान यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन के अंतर्गत खेती का, उनके अंतर्गत जो भी सूचनाएं इनको उपलब्ध कराए जाते हैं उससे यह खेती करते हैं, जो साइंटिफिक तरीका है उनके अनुसार यह खेती करते हैं। आइए हम बात करते हैं रामानुज सिंह जी से कि सरकार द्वारा जो उचित कदम उठाया जा रहा है किसान के लिए, प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया और यहाँ पर बाढ़ का, यह जो दियारा क्षेत्र है बाढ़ के कारण हर साल एक फसल बर्बाद हो जाता है, तो इससे उचित मुआवजा सरकार आप लोगों को दे पाती है या नहीं, उसके बारे में आप कुछ बताएं सर। मुआवजा उचित अगर 6,000 सरकार ने घोषित की तो मुआवजा उचित समय पर तो मिलने से रहा। मेन बात है किसान फसल किस तरह संग्रह करे, फसल खेती करने में हमको फायदा किस तरह से हो। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं या हर मंत्रीगण, किसान पर हम बहुत ध्यान दिए हुए हैं, हम इनको 1.5 गुना आमदनी करवाएंगे। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन 1.5 गुना क्या है, हम धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं। आज जो ये खेती हम लोग करते हैं इस दियारा क्षेत्र में, आज नीतीश जी का कहना था 2015 तक हम पूरे बिहार में लाइन लगावा देंगे। 2015 तो बीत चुका है, 20 भी आने वाला। बहुत सुदूर देहात ऐसा है कि जहाँ तक लाइन नहीं पहुँचा, सुदूर देहात इसको नहीं कहा जाएगा, जहाँ से कि ये ताजपुर और बख्तियारपुर को जोड़ने वाला कर्पूरी ग्राम पथ हमारे गांव से ही गुजर रहा है। 88 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने उसमें अनुदान क्या दिया, सरकार कुछ रेट दी, हम लोगों ने दिया इस आशय पर यहाँ लाइन आएगी, हम लोगों का विकास होगा। विकास क्या होगा, उसके अलावे हम लोगों का विनाश हो चुका है। जब से ये 4 लाइन कंपनी आई है, हम लोगों का 200 से 250-300 बीघा ज़मीन बंजर कर दी, नदी की तरफ धार खोल दिया, उधर से जितना बालू था हमारे अच्छी ज़मीन को बंजर बना दिया। इसके बावजूद भी जो भी ज़मीन बचा हुआ है, हम लोग चाहते हैं अच्छे तरह से खेती करें। इस बार सुने थे कि बरसात अच्छा होने वाला है, हम लोगों ने खेती शुरू की। कुछ यहाँ के ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग, जो कि केवल जानवर पोस के ही वो अपने जीवन जीता है। सर हम ठीक है, उस पर बात करेंगे बाद में, अभी बात करेंगे कि सिंचाई में, क्या सिंचाई में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है। हम अभी देखें आपका खेत का मुआयना किए हैं तो दूर दूर तक बिजली का कहीं कोई खंभा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर किसानों को अगर डीजल के बाद जनरेटर आप मशीन के द्वारा पानी पटाई करते हैं, कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी ज़मीन में आप खेती करते हैं, लगभग काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है आपका खेती, तो काफ़ी पैसे खर्च होंगे और डीजल का कीमत बहुत आसमान छू रहा है, जैसे 80 के पार चला गया है। अगर बिजली हो जाती तो आप लोगों को कुछ सुविधा हो जाता है। हाँ, तो बिजली, यह नीतीश कुमार जो बोले थे, और यह क्षेत्र जो है ऐसा सुदूर क्षेत्र नहीं है, यह पटना के काफी नजदीक है, बहुत, लेकिन फिर भी यहाँ पर गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंची, उसके बारे में बताइए और उससे आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या आप खेती करके कुछ मुनाफा हो पा रहा है या नुकसान में जा रहे हैं, इसके बारे में सर बताइए। सर बताइए। मैं रघुवंश प्रसाद सिंह, मटियोर ग्रामवासी हैं। हम लोगों को सिंचाई के
सिंचाई से बहुत नहीं होने पर सिंचाई से बहुत क्षति है। सिंचाई के डीजल का बढ़ती रेट्स के कारण हम लोग उचित ढंग से खेत में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। जगह जगह पर बोरिंग की भी कमी है और बोरिंग में भी मशीन जो है आपको ट्यूबवेल मशीन जो है मशीन भारी महंगी है। और हम लोगों को चाहिए कि जो बिजली का बिजली मोटर बिजली से पानी पटे जिससे हमको राहत मिलेगा, लेकिन यहाँ बिजली का एक खंभा भी आपको नज़र में नहीं आएगा बिल्कुल। और तो हम लोग किस प्रकार किसान इसमें जीवन निर्वाह कर रहे हैं से हम जान रहे हैं। मान लेते किसान को अगर सिंचाई नहीं होगी तो कहाँ से वो पैदा कर पाएगा, और उसको ऊपर से सरकार का हिसाब किताब समय पर लोन समय पर बात कह कर के भी लोग कागज पत्र लेकर के ब्लॉक में दुनिया में संसार में बौआता है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है सर, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी देखिए अभी काफ़ी बारिश हो रहा है। आप लोग किसान हैं, हम खुद आपको लेकर आ गए हैं, एक किसान का ही आप ये रूम बना रखे हैं बीज उज के लिए जी। वज्रपात पिछले दिन गिरा था इसलिए हम आपको बोले चलिए रूम में, नहीं तो अभी धान का धान अभी बुआई करते। हमारे रिक्वेस्ट पर आप लोग आ गए हैं, यहाँ पर संसाधन नहीं है, आप गाड़ी घोड़ा लेकर नहीं आ सकते, नहीं तो आ सकते। अगर बरसात हो जाए तो आपको काफी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत इतना हो रहा है कि आप सामान उचित सही समय पर नहीं पहुँचा सकते, इससे भी दिक्कत हो रही है। मोटर गाड़ी कोई भी नहीं यहाँ आ सकता है, ट्रैक्टर लाने में भी दिक्कत होगा, फंस जाएगा गाड़ी खेत में फंस जाता है या रास्ते में फंस जाएगा, या कहाँ से हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए किसान को ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कि सरकार को आप बोल रहे हैं तो आपके क्षेत्र का जो सांसद है नित्यानंद राय जी, वो अभी केंद्रीय गृह मंत्री बन गए, उनके पास इतना क्षमता है कि ऐसे ऐसे गांव को वह अपने फंड से काफी जीतो। वो सिर्फ अपना जो है से बनाने के फेरा में रहते हैं, जब वोट मिल लेना होता है तो वे गांव में टहलते हैं देहात में टहलते हैं, लेकिन जब हम लोगों को जरूरी पड़ते वो दिखाई नहीं देते हैं। मतलब कि आप जब गांव में वो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, जो कहा क्या है कि जब भी चुनाव होता है तभी नेताजी लोग गांव में आते हैं, उसके बाद वो गायब होते तो फिर से अगले 5 साल तक दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी लोग उनको एक बीजेपी पार्टी के नाम पर वोट देते हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ रही है, काफी कांग्रेस से उब चुकी है, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उन पर भी आरोप है कि कुछ किसानों के लिए नहीं किया, इसलिए हम मुख उनसे क्षुद्र होकर के बीजेपी को दे ताकि वो हमें कुछ किसान में कुछ बढ़ोतरी हो इसके लिए, लेकिन फिर भी वो अभी यहाँ के जो सांसद हैं मौजूदा सांसद नित्यानंद राय जी वो क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं, किसानों से कुछ राय विचार नहीं करते हैं, नहीं करते। अब बात करते हैं कि खेती में पैसे की जरूरत पड़ती है जी, खेतों और सरकार कहती है कि हम आप आइए हम लोन देंगे जी, लेकिन आप लोग का ही कहना है कि जो हम जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर और वो सही समय पर हमको या मिल ही नहीं पाता है, मिल ही नहीं पाता है, आज तक मिला नहीं। मुआवजा मिलेगा भैया, मिलेगा ठेकान मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग खेती में लागत लगाते हैं, हम लोन देंगे पशुपालन के लिए, लोन देंगे उसके आवास बनवाएंगे, और आवास बनवाने के लिए यहाँ जो है ग्राम सेवा वो आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं बन पाएगा, नहीं है फंड में ये पैसा, नहीं बन पाएगा, किसान को केवल भरमाते हैं और ऊपर से कहते हैं मंत्री जी ये पशुपालन कीजिए। यहाँ जाकर किसान जाकर बैंक में कहता है लोन के लिए तो वहाँ कहते हैं कि नहीं कोई सब स्कीम अभी नहीं आया है, हैं पशु सेट बनाने के लिए किसान के पास अपना पैसा है ही नहीं, कहाँ से वो पशुपालन कर सकता है। वो हम दूसरे सर से भी बात कर ध्रुव सर से बात कर रहे हैं कि आप कुछ अपने किसान में किस प्रकार से खेती करते हैं, साइंटिफिक खेती करते हैं, कैसी उपज होती है उसके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, हम किसान के लिए जहां तक सरकार हमें ट्रेनिंग दी उसके अनुसार किसान को जागरूक करने का प्रयास किए और बताने का भी प्रयास किए, मगर हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे सांसद महोदय के यहाँ हम लोग जाते हैं सतुआ पिला के घर भेज देते हैं कि जाइए आप किसान है तो घर जाइए। आज प्रधानमंत्री सड़क बिनगामा से लेके मोती नगर तक जो बनी 2011-12 में टूट गया बाढ़ के कारण, मगर एक बार भी उन्होंने हमारे संसर्ग मार्ग को नहीं देखे। 2005 साल के बाद वो हमारे यहाँ वोट मांगने आए तो हमारे अनुज ने उनसे कुछ बात रखी अपनी तो उन्हें काफ़ी तकलीफ लगा, जिसके चलते हमारे पंचायत में नहीं आते हैं।
आज हम उन्हें दिल्ली पहुंचा दिए तो दिल्ली से हटाना भी हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम किसान यदि अपने ज़मीन को चीर करके उपजाते हैं तो दिल्ली में आपको भोजन ग्रहण करते हैं तो रास्ता भी भुला जाइएगा। आपसे आग्रह है कि मोहती नगर जो हम लोग का दियरा क्षेत्र है उसमें अपने संसद कोटा से एटीएम पानी का व्यवस्था दे, जो हम किसान अपने क्षेत्र में पानी पी सके। संसद कोटा से सड़क मार्ग बनाए जो हम अपने गंगा किनार तक बारिश हो किसी भी परिस्थिति में अपने सिंचाई किसी भी परिस्थिति में हम अपने खेत से फसल को उपजाए और ले के जा सके, उचित कीमत हम पा सके। आज हमारा संसाधन नहीं होने के चलते हम काफ़ी दिक्कत में हैं। हम लोग अभी बारिश का डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन के द्वारा ड्रम सीडिल से खेती करने के लिए यहाँ पर उपस्थित सारे किसान भाई हुए, मगर आज यह स्थिति है कि हमारी ट्रैक्टर फंस गई यहाँ पर, हमें कितने दिन रुकना पड़ेगा कोई इसकी गारंटी नहीं है। अभी मोटरसाइकिल हम लोग का फंस गया, कोई गारंटी नहीं। खाने तक का आफत हो जाएगा कि यदि पानी हम लोग का ज़्यादा पड़ जाए तो निकलने पर। इस स्थिति पे भी हम लोग खेती करते हैं, किसानों को मुहैया कराने का प्रयास करते हैं, मगर सरकार नहीं ध्यान देती है। संसद महोदय से आग्रह है कि इस क्षेत्र पर ध्यान दे, नहीं तो हम लोग किसान अगले बार जो है 2022 के बाद आपको झंडा हम लोग भूल जाएंगे। मोदी जी के नाम पर हम लोग इस बार डाल दिए, मगर 2022 में हम लोग भूल जाएंगे कि 24 में हमें मोदी जी को वोट देना है। यदि आप भूल जाते हैं दिल्ली जा करके तो हम भी किसान भूल जाएंगे। हम यह आग्रह निवेदन पूरे अनुज के तरफ से कर रहे हैं, पूरे बालागंज के धरती के तरफ से कर रहे हैं, उजियारपुर लोकसभा की तरफ से कर रहे हैं। गलती हो इसके लिए अति कीजिए। हम दूसरे किसान भाई से बात करेंगे कि वो अपनी यहाँ पर किसानी के बारे में कुछ कहें। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह इस मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र और मटियोर मौजे का निवासी हूँ। और हमारा बेसिकल पॉइंट ये कहना है कि किसान भाई अपना कष्ट को सरकार के सामने सांसद के सामने रखते चले आ रहे हैं, और यही जो है पुराना जो है धुन सुनाने से हम लोग का विकास कहीं नहीं होने वाला है। नीतीश जी भी अपने रीजन में उन्होंने विकास किया ऐसा लोगों को ये कह रहे थे और विकास पुरुष के नाम से अपने आप को संबोधित कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वैसे गुणगान करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब चुनाव इस समय विधानसभा का आ रहा है, उसमें किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, बूथ पर जाके नोटा दबाना पड़ेगा, किसी नेता को इलाके में प्रवेश नहीं करने देने का संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर जो है दियारा क्षेत्र तो पहले से माने विकट स्थितियों से जूझता चला रहा है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की सरकार हो चाहे विधायक हो इस दियारा लैंड पर पूर्णतः ध्यान देने का काम करना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र पहले से कमज़ोर हो लाचार हो उस पर जो है उनका निगाह रहना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि नीचे लेवल से ही यहाँ के मुखिया हों या ग्राम सरपंच हों सबका कार्यशैली जो है कुछ मतलब ढंग का नहीं समझ में आ रहा है। ये आम जनता समझ रही है लेकिन फिर भी जो है उसका विरोध करने में तो कहीं ना कहीं अपने आप में तो क्रांति लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लैंड है हमको जो भूमि धरती माता मिली हैं उन्हीं से हम अनुप जाकर अपना जो है अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो इस चीज़ पर जो है सारे जनता को जागरूक होना होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे ध्रुव भाई और लोग हमारे रामानुचा ये लोग जो है एक संकल्पित होकर जो सुभाष चंद्र बोस वीर भगत सिंह जैसा एक क्रांति मटियोर मौजे में लाने का काम किए हैं, इसमें सभी लोग को योगदान देना चाहिए। और नेतागण से भी यह आग्रह है कि हमारी बात को लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाने का काम करें, नहीं तो हम लोग वोट का और पूर्ण रूप से उनका विरोध करेंगे और हम लोग नोटा को दबाना पसंद करेंगे और गांव में उनको प्रवेश करने देने का भी काम नहीं करेंगे। बस यही विधानसभा का जब बात किए तो अब 2 महीने के बाद चुनाव है जी, तो लगातार 15 साल से नीतीश कुमार का शासन है और वो अपने आप को सुशासन बाबू के रूप में यहाँ पर स्थापित कर चुके हैं, क्या उनका 15 साल का जो राज्य है वो वास्तव में किसान के लिए सही है? किसान के लिए सही नहीं है, यहाँ तक कि बिजनेसमैन मतलब यहाँ जो है बिहार में उद्योग धंधों के जो नीतीश कुमार जी ने बात किया था
उस पर भी कोई बेसिकली नहीं है। पहले था कि उन लोग माने जब भाजपा की सरकार थी अटल जी के समय में, तो लोग कहते थे कि बिहार में सरकार जो है दूसरे पार्टी की है, राजद की है, केंद्र में कॉम्बिनेशन नहीं हमारा मिल पा रहा है, जिसके कारण हम उद्योग धंधा नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग और आम जनता ने जो है उनको पूर्ण बहुमत देकर दो चरणों में केंद्र में भी सरकार उनकी है और बिहार में भी सरकार उनकी है, उसके बाद भी जीरो पर डायल होकर पूरा जो है नीतीश कुमार फिसिंडी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये सब में जो हर पाँच साल पर सरकार बदलती है, इसका नतीजा है कि वहाँ की जो राज्य है काफ़ी तरक्की कर रही है? नहीं, सही बात है। विकास के लिए, विकास का तो यही एजेंडा है कि पाँच सालों में वो नीचे लेवल के नेता हों, सरपंच हो, मुखिया हो, हर एक पाँच साल में बदलना जरूरी है, तो उससे जो है विकास की गति में बढ़ेगा। तो ऐसा उम्मीद है कि इस बार सरकार बदल सकती है? हाँ, सरकार बदल सकती है। एक काफिला जो है एक गांव से शुरू होगा जो पूरे बिहार में इस तरह की जो जनता, और मान लीजिए पूर्व में भी जो सरकार है कोई तो जो है किसानों का सुन नहीं रहा है, किसानों को समृद्ध करने का, चूँकि कृषि प्रधान देश है भारत, जब किसान समृद्ध होंगे तब यहाँ का विकास होगा। तो यहाँ तो ऐसे जैसे गुलामी अंग्रेज का जो शासन है उस टाइप की मानसिकता किसानों का भी हो गया है, कोई अगला अग्रसर होकर अच्छे काम को गति दे रहा है उस पर भी जो है लोग मखौल उड़ाते हैं और इस बात को नहीं समझते हैं कि ये मखौल उनका नहीं उड़ा रहे हैं, ये अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगर रामानुचाई इसने कार्यक्रम को इन्होंने शुरू किया तो आम जनता के लिए किया, मान लीजिए कि इस पर जो है सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को नहीं दे रहे हैं तो उनकी अपनी जो है विडम्बना है। बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अगर इस तरह का वीडियो और आप चाहते तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हम किसान के मुद्दे को होते हुए थे इस बार के विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर राकेश कुमार सिंह ने अपना व्यक्तित्व यहाँ पर रखा कि हर पाँच साल में अगर सरकार बदलती है तो उससे विकास की गति लगातार तेज होती है। तो एक बार हम किसान के नारे के साथ अपने इस वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान।